हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड। मैं हूं आपका गुरुदेव किशोर सर, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस, विज्ञान। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहला जो है इसके बारे में, प्लांट या पौधे से, क्योंकि देखो फूड हम लेते कहाँ से? या तो आप मांसाहारी हैं, ठीक है, तो आप मांस मीट वगैरह आ रहा है, या फिर आपको प्लांट से आ रहा है। जैसे अपना जितनी भी सब्जियां वगैरह हो गई, फल फ्रूट हो गए, वो सारे प्लांट से आते हैं। तो प्लांट के बारे में एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। ये अपना प्लांट का एक डायग्राम है, ये ओरिजिनल प्लांट है और ये हमें यहाँ समझाने के लिए लिया है। तो इसमें देखो, ये जो अपना प्लांट है, इसमें बच्चों क्या होता है कि जो जमीन से ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। जो जमीन के नीचे होता है उसको कहते हैं रूट। रूट तो आपने सुना होगा, शूट मे भी जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं, उन्होंने नहीं सुना हो ज्यादा, तो वो याद रख लेना कि जिस तरह से रूट हो गया उसके लिए ऊपर जो है शूट हो गया, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जो जमीन के ऊपर है वो सारा शूट सिस्टम में हो गया। तो इधर हमारा ये हो गया, और इसमें देख लेते हैं, और जो इसका ये स्टेम होता है, ठीक है, तना, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसके सहारे हमारा पौधा खड़ा रहता है, उसको कहते हैं तना। इसकी बहुत जरूरत है, नहीं तो इसी पे ही तो जो है सारी ब्रांचेज वगैरह लगी है सब कुछ। और जो रूट से, रूट भी बहुत जरूरी है। क्यों रूट क्यों जरूरी है? देखो आप डायरेक्ट ऐसे जमीन पे ऐसे खड़ा कर दो कोई चीज, थोड़ी थोड़ी ना खड़ी रहेगी, वो गिर जाएगी। तो रूट्स वो चीज है जो जमीन को पकड़ के रखती है, इन्हीं रूट्स की वजह से ये पेड़ सीधा खड़ा रहता है। वरना ऐसे गिर जाए, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, गिर जाएगा। तो इसलिए नहीं गिरता, क्योंकि रूट्स की वजह से। दूसरा, अगर मान लो कि बहुत तेज पानी आ रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो ये जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती है, तो सॉइल इरोजन को भी रोकती है, मतलब कि मृदा का हट जाना वहां से, ठीक है, अपक्षय ऐसा कुछ कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें देखो प्राइमरी रूट्स कौन सा होता है, ये जो मेन रूट होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, उसकी जो ब्रांचेज निकली होती है उनको लैटरल रूट कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ आई बच्चों? अब देखो ये अपना हो गया स्टेम, और दूसरा, अच्छा रूट्स का एक और काम क्या है, अपन जो पौधों को पानी देते हैं वो रूट्स के थ्रू होते हुए जाता है पूरे पौधे के सब जगह पे, ठीक है। तो पानी कहाँ से मिलता है? रूट से जाता है। दूसरा, जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को, ठीक है, जो भी जैसे मैक्रो हो और माइक्रो मिनरल्स जितने भी चाहिए होते हैं, ठीक है, एन पी के, मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, जितना भी सारा एक्स वाई जेड, तो वो सारा जो है रूट्स के थ्रू तने में, ये ब्रांचेज होगी पत्तियों में, फलों में, और जो अपना फूल वगैरह होता है सब में रूट्स के थ्रू जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और क्या है अपना, यहाँ पर जो है इनके फूल लगते हैं, फूल के बाद में वो धीरे धीरे, फूल तो एक तरह से टूट जाता है, मतलब जो उसकी पंखुड़ियाँ होती है वो गिर जाती है, पत्ती की तरह, जैसे वो नहीं होता बाहर निकला हुआ, वहाँ पर बीज होता है, वो बीज हमारे फ्रूट के अंदर होते हैं। तो इसी तरह से ये जो फूल होता है वो बनता है आगे फल, तो हमारा हो गया, इसलिए उसके अंदर आपको सीड मिलते हैं। तो ये देखो बीज वगैरह कहाँ होते हैं, जो फल या फ्रूट जो भी है आपका, ठीक है, मतलब फल या सब्जी होगी उसके अंदर हो गया। उसके अलावा ये फ्रूट हो गया, ये पत्तियां हो गई जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये होता है हमारा नोड। और फिर इंटरनोड क्या होता है, एक जो ब्रांच निकली है उस दूसरी ब्रांच के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड। फिर ये हो गया फ्लावर का क्लस्टर, की एक साथ काफी सारे हो गए, ये जो फ्लावर हो गए जिसको हिंदी में फूल कहते हैं, फ्लावर समझाए क्या, याद आया वो ये चीज है। फिर शूट का टिप, कि मतलब ये जो पूरा शूट सिस्टम है इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, तो वो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको टिप कहते हैं। अब ये देखो ओरिजिनल प्लांट मैंने आपको दिखा दिया, ये इसका स्टेम है, ये इसकी ब्रांचेज निकल रही है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रांचेज। फिर यहाँ पर ये जो है फ्लावर्स वगैरह लगे हैं आपको वो दिख रहा है, ठीक है, और ये लीव्स हो गई हमारा। तो मेनली इसमें जो है अपन ने देख लिया कि क्या होता है, तो प्लांट किस तरह से होता है ये हमें आइडिया लग गया। हमें ज्यादा डिटेल में जो है नहीं पूछेंगे, जो बायोलॉजी में होता है, बॉटनी वगैरह उतना, तो डोंट वरी, ठीक है, उतना हम ज्यादा स्टडी हमें करनी नहीं है। फिर हमें टाइम पे सिलेबस भी तो करना है बच्चों, और जो हमारे सिलेबस के बाहर है वो हम क्यों पढ़े? हमें 11th 12th का बायोलॉजी क्यों पूछेंगे? हमें जनरल नॉलेज का पूछा है, तो आपने जो 10th तक पढ़ा है वही तो पूछेंगे ना, तो हम एक्स्ट्रा फालतू क्यों पढ़ेंगे? तो हमें आपको जो है ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब जो प्लांट या प्लांट प्रोड्यूस खाते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, ठीक है, शाकाहारी कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस आर कॉल्ड, आपके एग्जाम में सवाल किस तरह से आएगा अब वो मैं बता देता हूं। यहां पे सवाल आएगा, एनिमल्स विच ईट प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस आर कॉल्ड एज हर्बीवोरस, ठीक है, ओमनीवोरस, यहां पर मेंशन भी है वो भी है ना, और कार्निवोरस, इन तीन, और एक कह देंगे नन ऑफ द अबव, तो आपको किस पे टिक करना है? हर्बीवोरस पे, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बच्चों याद रखना, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं हर्बीवोरस के? देखो राइनोसोरस हो गया, डियर हो गया, हिरण जिसको कहते हैं, तोता, पैरेट हो गया, कोयला,
एंड हिप्पोपोटेमस हो गया, जिराफ हो गया, कंगारू हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब जानवर जो है सिर्फ फल फूल पत्तियां वगैरह ये सब खाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे हाथी जी हैं वो केले खाते हैं, बड़े शौकीन है केले के, तो ये जो है सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोड्यूस खाते हैं, तो ये वो जानवर हो गए। ठीक है, फिर और क्या है, एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जो यानी कि फूल पत्तियां ये सब नहीं खाते, सिर्फ मांस खाते हैं, ताजा कच्चा मांस, तो वो कौन हो गए, टाइगर हो गया, ठीक है, कटल फिश होगी, प्लैटिपस, एंटी डियर, फिर हो गया शार्क हो गया, लॉयन हो गया, वॉलरस हो गया, एंड पेंगुइन, मांस खाता है पेंगुइन भी, याद रखना। फिर अगला कौन सा है, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, इंसान कौन है, इंसान तो जो है मांस भी खाता है और सब्जियां फल फ्रूट सब खाता है, तो इंसान जो है एक तरह से ओमनीवोर्स हो गया हमारा। ठीक है, तो विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो आपको जो है याद रखना ये नाम कि ओमनीवोर्स किसे कहते हैं, हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, कार्निवोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला जो अपना था ओमनीवोर्स की जो दोनों चीजें खा लेते हैं वो कौन है, हेजोग हो गया, बोर हो गया, ठीक है, स्कंक हो गया, मंकी हो गया, कीवी हो गया, बियर, भालू ये भी खाता है, फिर जो टर्टल हो गया, कछुआ, ठीक है, ये ऑस्ट्रिच, ये दोनों चीजें खा लेते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम्पल वगैरह इतना नहीं पूछेंगे डिटेल में, ठीक है, बट जो फेमस एनिमल्स है उनका हमें याद रख लेना आप। ठीक है, एक तो जो है कि आप उसको डेफिनेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि उनको क्या कहते हैं, ऐसा एक सवाल आएगा, इसमें जो सवाल बन सकता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, दूसरा कि मान लो कि आपको दे दिया कि बोलेंगे कि टाइगर जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप बोलोगे कार्निवोर्स। देखो फेमस कौन कौन से, मैं एक बार बच्चों आपके लिए टिक भी लगा लेता हूँ, आप ये याद रख लेना, एक मिनट में ग्रीन पेन ले लेता हूँ। ओके, एक तो आप टाइगर याद रख लेना, फिर यहाँ पर शार्क याद रख लेना, लॉयन याद रख लेना, ठीक है, और फिर इधर पेंगुइन भी याद रख लो, ठीक है, फिर हर्बीवोर्स जो सिर्फ है ना फूल पत्तियां ये सब खाते हैं, घास वगैरह, तो राइनोसोरस हो गया, डियर हो गया, पैरट हो गया, फिर जिराफ भी आपने कर लिया, कंगारू कर लिया, और एलिफेंट हो गया। फिर जो ओमनीवोर्स है तो इसमें आप जो है मंकी को याद कर लो, ठीक है, बियर को याद कर लिया, टर्टल को कर लिया, और ऑस्ट्रिच को कर लिया, जो फेमस एनिमल्स है बस उन्हीं को आप पढ़ो। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे इसको। ओके बच्चों, अब देखो, न्यूट्रिएंट इज ए सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, न्यूट्रिएंट हिंदी में जिसको कहते हैं पोषक तत्व, दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल्स वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, और नॉन एसेंशियल कौन से हैं जिन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइक विटामिन के हो गया, बायोटिन हो गया, और एसेंशियल्स कौन से हैं, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, यहाँ पे मेंशन भी है ना ये फैट्स वगैरह, तो ये सारे एसेंशियल होते हैं कि जो हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है। अच्छा, डेफिनेशन भी बता देता हूँ, तो न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट वो होता है जिसको नहीं लेंगे हम मर जाएंगे, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वो चीज है जिनकी वजह से हमारी सेल, टिश्यू, ऑर्गन ये सब काम कर पाते हैं, हम जो है सर्वाइव करते हैं, हम ग्रो करते हैं, वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, सारा सब कुछ हमारे अंदर एनर्जी आती है, किन से आती है, न्यूट्रिएंट से आती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड प्रोड्यूस, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा बच्चों, तो आप ज्यादा डिटेल में ना जाए, ठीक है, मतलब कि रटने की जरूरत नहीं है अपने को। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मेरी आदत है कि मैं आपको एक एक वर्ड समझाता हूँ। तो देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे, प्रोटीन भी देखेंगे, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब आगे देखेंगे। ठीक है, इन एडिशन फूड कंटेंट्स डाइट्री फाइबर। अच्छा, फाइबर क्या होता है, देखो फाइबर वो चीज होती है जो हमें प्लांट प्रोड्यूस से मिलती है, प्लांट प्रोड्यूस मतलब ये जो अपन सब्जी वगैरह फल फ्रूट खाते हैं इनसे वो मिलता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन क्या करते हैं कि ये बाकी फूड के साथ मिलके जाते हैं, ताकि आप जब सुबह में रिलीव होने जाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, इसीलिए लिखा है डाइट्री फाइबर इन वाटर, तो आप जब ज्यादा पानी और ज्यादा फाइबर वगैरह लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, ताकि क्या है कि वो एक ये ना हो कि अंदर ड्राई हो जाए और आसपास से पूरा लेके और जो स्टूल होता है, ठीक है, वो ड्राई ना हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो, उससे बचने के लिए डाइट्री फाइबर काम आते हैं। जैसे इनको यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर सकता पेट, लेकिन ये खाने के साथ ही फिर निकल जाते हैं और जो है खाने को स्मूथली बॉडी से निकाल देते हैं। तो ये चीज हो गया हमारे इसके बारे में डाइट्री फाइबर, और ये हिंदी मीडियम में बच्चों के लिए भी नीचे लिखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, अब अगला क्या है बच्चों, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेंट्स ऑफ एमिनो एसिड्स जॉइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं जिनसे हम लेने के बाद एनर्जी मिलती है हमें, और इसमें सवाल क्या आएगा कि प्रोटीन जो है किन से मिले होते हैं, तो आप जो है ये कंसिस्ट होते हैं एमिनो एसिड के, तो आपको क्या याद रखना है बच्चों कि प्रोटीन किससे बने होते हैं,
एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड ये याद रखना है बस, बाकी इसमें कोई वो डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जॉइंट बाई पेप्टाइड बॉन्ड्स वो इतना डिटेल में नहीं, ठीक है। सिंस द बॉडी कैन नॉट मैन्युफैक्चर सम ऑफ द एमिनो एसिड्स टर्म्ड एज एसेंशियल एमिनो एसिड्स द डाइट मस्ट सप्लाई देम, तो इसलिए हम डाइट के थ्रू जो है प्रोटीन लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं, जिम जाते हैं वगैरह, बॉडी ऐसे कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, तो इसीलिए वो लोग प्रोटीन लेते हैं अलग से, प्रोटीन पाउडर वगैरह उसको पी के, क्योंकि खाने में उतना प्रोटीन नहीं होता है इसलिए अलग से प्रोटीन पाउडर लेते हैं। द डाइट मस्ट सप्लाई देम थ्रू डाइजेशन, प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन बाई प्रोटेसेस बैक इन टू द फ्री एमिनो एसिड, ठीक है। यही हुआ कि जब वो पेट, अब प्रोटीन हमने ले लिया पूरा, वो एमिनो एसिड से मिलके बना है, ठीक है, लेकिन जब वो पेट में जाएगा तो पेट के अंदर एक चीज होती है प्रोटेजेस, ठीक है। तो प्रोटेजेस क्या होता है, ये जो क्या काम करता है कि जो आपने अंदर प्रोटीन लिया है उसको वापस टुकड़ों में तोड़ दे, क्या क्या करेगा, इनटू फ्री एमिनो एसिड्स। तो इसका काम क्या हुआ कि प्रोटीन को वापस तोड़ के एमिनो एसिड में बनाना, ये चीज होगी। तो हमारे लिए मेन यहाँ पर काम का सवाल क्या होगा कि प्रोटीन जो है किससे मिलके बना होता है, एमिनो एसिड से, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब ये देखो सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मैंने मेंशन की है, आप लोग इनको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसमें अच्छे से देख के कर लेना, कि वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना बच्चों कि हाँ भाई बताओ कि इसमें जरूरी जरूरी जो इसमें दो चार है वो देख लेना, बाकी अपने इतना रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल वैसे आता नहीं है, पर हमें प्रिपेयर रहना है कि मान लो आपसे पूछ लेगी अच्छा बताओ कि इन चारों में से कौन सा है जो प्रोटीन का सोर्स है या कौन सा है जो नहीं है, तो आपने देखो जरूरी कौन सा है, किनोआ इतना जरूरी नहीं है, टोफू ठीक है, सोयाबीन हो गया, ठीक है, मैं पेन चेंज करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये सोयाबीन हो गया एक, तो किसका, प्रोटीन का सोर्स, इसलिए जो जिम जाते हैं वो लोग सोयाबीन खाते हैं, ठीक है। बीन्स हो गया, तो आप बीन्स याद रखना, ठीक है। नट्स वगैरह हो गए, नट्स में कौन सा होगा, काजू बादाम वगैरह, ये हो गया। फिर ओट्स वगैरह हो गया हमारा, ठीक है, लेंटिन वगैरह छोड़ो, ये सब छोड़ो, सोया मिल्क हो गया, ठीक है, सोयाबीन आ गया तो वैसे ही सोया मिल्क आएगा, नट बटर, क्यूमिन सीड वगैरह, चिया सीड्स, तो इनको इतना नहीं। टोफू जो एक तरह से पनीर जैसा ही होता है, तो ये आप भले ही देख लेना, ठीक है। फिर और जो है एनिमल सोर्स, ये तो प्लांट वाले थे बच्चों, जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। अब जो लोग मांसाहारी है तो उन लोगों के लिए एनिमल सोर्स क्या है, सार्डिन्स हो गया, ठीक है। फिर और क्या है, कॉटेज चीज, अब चीज भी तो किससे आता है, दूध वगैरह उनसे मिलके फिर बाद में एंड प्रोडक्ट होता है, तो चीज तो एक तरह से वो एनिमल से ही आया ना, प्लांट से थोड़ी ना मिलता है हमें, चीज वगैरह, दही घी वगैरह, ये हो गया। टूना हो गया, लैम्ब हो गया, बीफ हो गया, ठीक है। तो ये एक तो नॉन वेज जितना हो गया, उसके अलावा अंडे हो गए, ठीक है, दूध हो गया, ठीक है, और ये जितनी भी फिश वगैरह, पोर्क हो गया, तो ये सारा हो गया। तो मेनली आप एग और मिल्क याद रखना, बाकी जितना भी नॉन वेज है, नॉन वेज में कौन सा हो गया, पोर्क हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, लैम्ब हो गया, टूना, सार्डिन्स, कंगारू, सारा, प्रॉन्स भी है भाई साहब, ठीक है, जो झींगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो प्रॉन्स तक है। तो ये सारे जितना भी नॉन वेज है उनसे प्रोटीन मिलेगा, उसके अलावा जो मिल्क है और अंडा है वो भी हमारा जो है प्रोटीन देगा, और जो प्लांट वालों में तो वो तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है टिक कर दिया, तो ये बस थोड़े नाम याद रखना, बाकी सारे मत रटना। यूं तो वैसे दुनिया के जितने प्रोडक्ट है उनमें हो सकता है 90% में वो प्रोटीन, तो ऐसा थोड़ी हम सारे रटेंगे, नो, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, फिर प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ग्रोथ आपने देखा होगा, जिम जाते हैं वो लोग प्रोटीन लेते हैं, तो कैसे उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, प्रोटीन लेते हैं, इस वजह से नीडेड फॉर ग्रोथ, ऐसे याद रखना, आपने हर चीज को रटना नहीं है बच्चों। रिपेयर फॉर ऑफ अवर बॉडी, फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बनाते हैं, तभी तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि अरे वो कि मास गेनर खा रहा है, प्रोटीन पाउडर खा रहा है, तो इसलिए आपसे सवाल क्या आएगा बच्चों, सवाल ये आएगा कि विच आर कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो आप क्या बोलोगे, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, प्रोटीन। तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना बच्चों, आपसे सवाल आ सकता है इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या करता है, फैट, फैट सुन के क्या याद आता है कि हाँ फैट बॉडी में भी लगता है, हाँ तो जो बॉडी में लगता है वो भी वही होता है, ये इसी फैट की बात कर रहे हैं, खाने में मिलता है हमें मैक्सिमम चीजों में हमारा, आप ये मान लो कि ऑलमोस्ट सब चीजों में फैट तो होता ही, और फैट क्या करता है, फैट, फैट हमारी बॉडी को जो है एनर्जी देता है, ठीक है। अगर फैट नहीं लेंगे हम खाने में, फैट नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो भाई साहब एनर्जी नहीं आएगी, हम काम नहीं कर सकेंगे, घूम फिर नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप हिल भी नहीं सकते हो बिना फैट के। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दो ये ऐसी चीजें जो आपको एनर्जी देती है, ओके बच्चों, ठीक है। फैट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लिसरीन मॉलिक्यूल विद थ्री फैटी एसिड्स अटैच्ड, फैटी एसिड मॉलिक्यूल कंटेन ए सी डब्लो एच ग्रुप, तो इसमें क्या होता है, सी डब्लो एच ग्रुप होता है, ठीक है,
ये आप याद रखना है, आ सकता है कि फैट के अंदर क्या होता है, तो कि आप बोलोगे COOH होता है, ठीक है। अटैच्ड टू अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड एलोन सैचुरेटेड फैटी एसिड और बाय बोथ डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा देखो, अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जिसमें बोथ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड दोनों होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो बच्चों, जो ये अपना केमिस्ट्री होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये कई बार क्या होता है सी डबल बॉन्ड बनाता है, लाइक COOH हो गया इस तरह से, या सिंगल बॉन्ड हो गया इस तरह से CH, तो ये होता है सिंगल बॉन्ड और ये होता है डबल बॉन्ड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, जो बच्चे साइंस में ज़्यादा नहीं जानते उनको हल्का सा ये चीज़ बता देता हूँ कि सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ताकि उन्हें आइडिया रहे कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल मतलब कि दो लाइनें होगी, सिंगल का मतलब एक लाइन होगी, तो ये कह रहा है। तो डबल बॉन्ड वाले कौन हो गए, डबल ऑब्वियसली अगर डबल है तो सिंगल भी वहां रहता ही है जनरली, तो सिंगल बॉन्ड जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए, और जिसमें सिंगल होगा वो होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। बस फैट्स आर नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू मेंटेन ए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ये नहीं कि बढ़ गया है कम हो गया, वो चीज नहीं होगी। टू मेंटेन ए स्टेबल बॉडी टेम्परेचर एंड टू सस्टेन द हेल्थ ऑफ स्किन एंड हेयर, तो मतलब आपका जो है स्किन की हेल्थ को भी बरकरार रखता है। कौन फैट, इसलिए फैट खाया करो वरना आपकी स्किन जो है कमजोर हो जाएगी, आपके हेयर भी कमजोर हो जाएंगे, इसलिए हेयर फॉल होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है कि एज से पहले ही कम एज में ही ग्रे हो गए, वो सारा। तो सर्टेन फैटी एसिड टर्म्ड एज एसेंशियल फैटी एसिड्स दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू वंस डाइट, ठीक है, जो एसेंशियल है वो हमें फूड, जो अपना फूड डाइट हम खाना खाते हैं उसके थ्रू लेने होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, इसको हमने हिंदी में बता दिया। जो फैट को हिंदी में क्या कहते हैं, वसा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मिनरल्स, मिनरल्स आर द एक्सोजेनस केमिकल एलिमेंट्स इंडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ, ऑल्दो द फोर एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये चार मिनरल्स जो है आर एसेंशियल फॉर लाइफ एंड दे आर सो प्लेंटीफुल इन फूड एंड ड्रिंक दैट दीज आर नॉट कंसिडर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर नॉट रिकमेंडेड These are no recommended intake for these minerals. क्यों, ये तो वैसे जनरली रहते ही है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो सी एच एन एंड ओ, अब देखो ये तो H2O ही हो गया, ठीक है, ये अमीनो एसिड में N हो गया, कार्बन तो वैसे मैक्सिमम चीजों में रहता ही है, ठीक है, अभी हमने पीछे जो देखा उन सब में ही था, ठीक है, तो इसलिए इनको इतना नहीं बोलते हैं। बाकी जो छोटे मोटे होते हैं कौन से, जैसे कि अपना जिंक हो गया, लेड हो गया, तो ये जो हमें हल्के फुल्के चाहिए होते हैं ज़्यादा नहीं, नॉर्मल क्वांटिटी में, ठीक है, कोबाल्ट हो गया, तो उनको जो मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो वो सब हम जो है खाने के थ्रू बोला जाता है कि ले लिया करो, ठीक है, तो लिया करो आप लोग भी बच्चों। द नीड फॉर नाइट्रोजन इज एड्रेस्ड बाय रिक्वायरमेंट सेट फॉर प्रोटीन विच इज कंपोज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड, मैंने अभी आपको यही बोला कि वो अपना प्रोटीन हो गया उसमें अमीनो एसिड होता है, तो नाइट्रोजन तो हमें वहां से मिल गया भैया। फिर सल्फर इज एसेंशियल बट अगेन डज नॉट हैव ए रिकमेंडेड इंटेक, इंस्टीड रिकमेंडेड इंटेक्स आर आइडेंटिफाइड फॉर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथियोनाइन एंड सिस्टाइन, इतना नाम ये बड़े बड़े इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं आएगा, ठीक है। मेनली अपना मिनरल्स कौन कौन से जरूरी है, तो कि ये है, बाकी और जो कौन कौन से वो अपन आगे और देखते हैं, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये हिंदी में हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट आपको दे रखी है, द एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर ह्यूमन लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एक्सप्रेस्ड एज ए मास, दिया हुआ है कि पोटेशियम सबसे ज्यादा लेना है, फिर पोटेशियम के बाद क्लोराइड, सोडियम, फिर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, एडिशनली कोबाल्ट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ विटामिन B12 विच इज एसेंशियल, मैंने अभी आपको बोला कोबाल्ट, कोई सोचेगा कि यार कोबाल्ट को थोड़ी ना खा सकते हैं हम, कैसे खाएंगे, लेकिन वो एक तरह से फूड जो हम पचा सकते हैं, पेट में जा सकता है ऐसी चीज, तो वो विटामिन B12 का एक पार्ट है, तो इसलिए। अच्छा विटामिन B12 हम क्यों लेते हैं, आपको पढ़ाई के टाइम मन नहीं लग रहा हो, कंसंट्रेशन इधर उधर जा रहा हो, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी B12 हम खाते हैं, ठीक है, तो कोबाल्ट भी ये अलग से दिया हुआ है, इसलिए याद रखना, क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या कोबाल्ट हमारे लिए एसेंशियल है कि नहीं है, तो क्या है, बिल्कुल ऐसा, क्यों, क्योंकि जो है अपना कोबाल्ट वो विटामिन B12 के अंदर है, ओके, ठीक है, ये हो गया। देयर आर अदर मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स बट मे और मे नॉट बी एसेंशियल फॉर ह्यूमन, कुछ ऐसे मिनरल्स भी है जो कि प्लांट्स को भी चाहिए, दूसरे एनिमल्स को भी चाहिए, लेकिन इंसान को वो नहीं खाना है, वो कौन सा है, सच एज बोरोन एंड सिलिकन, ये मत खा लेना, ठीक है। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि विच आर दी कौन से मिनरल्स, विच आर द मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बट नॉट फॉर ह्यूमन्स,
तो आपका कौन सा हो गया, बोरोन हो गया या सिलिकन हो गया या दोनों? अगर ऑप्शन में आता है बोरोन तो आप बोरोन पे टिक करोगे, सिलिकन आता है सिलिकन, दोनों का नाम आ रहा है तो दोनों पे टिक करोगे, ठीक है? ये चीज समझ आ गई। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट ये अपना हिंदी में हो गया, ठीक है। तो अब आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट इज ए सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन भी होगा कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। इसका भी काम क्या है? एनर्जी। मैंने आपको पहले बोला था पढ़ाते टाइम कि फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बोथ गिव्स अस एनर्जी, ओके। जबकि प्रोटीन हमें ग्रोथ देता है, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, लो आगे लिखा है, ठीक है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एयर कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि ज्यादा एनर्जी कौन देता है सेम अमाउंट पे? फैट देता है, ठीक है, ठीक है। एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट, फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ये क्या देते हैं? एनर्जी की ओर। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा था? प्रोटीन। एनर्जी गिविंग फूड कौन सा है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं बच्चों, हमारे सवाल आ सकता है, तो हम बोलेंगे फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन है, सोर्सेज पंपकिन हो गया, कद्दू, कद्दू खाया करो यार, ठीक है, कद्दू से आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये चीज हो गई, एक तो कद्दू हो गया, और क्या हो गया कद्दू के अलावा? टैरो रूट हो गया, कसावा रूट हो गया, ये सारा, सॉरी, फिर अपना कैरेट हो गया, गाजर, गाजर खाओ, ठीक है। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी हो गया, बीट रूट हो गया, ठीक है। फिर और रूटा बाबा, वो छोड़ो, रूटा बागा इतना फेमस नहीं है अपने इंडिया में, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके अलावा सीरियल्स, ये तो क्या है कि वेजिटेबल्स हो गए स्टार्च वाले, ये माइल्ड स्टार्च वाले। अब सीरियल्स वाले देखते हैं, अगर यहाँ फोटो क्लियर नहीं है बच्चों तो आप पीडीएफ अपने साथ खोल लो, उसमें देख लेना, ठीक है। फिर राइस हो गया, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस हो गया, वीट, चावल, गेहूं, ओट्स हो गया, बार्ले मतलब जौ हो गया, मिलेट्स, ठीक है, ज्वार वगैरह उनमें भी होता है। फिर उसके अलावा पीनट्स में है, ठीक है, पीनट्स हो गया, और बाकी अपने यहाँ पे लेंटिन वगैरह ये सब छोड़ो आप। फिर फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में पियर्स हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है। तो मेनली ये सारे हैं कि एप्पल हो गया, वाटरमेलन हो गया, तो ये आप हल्का फुल्का देख लेना, इतना सारा डिटेल में कोई नहीं पूछेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल टू द बॉडी, ठीक है। विटामिन्स नाम सुने होंगे, एक विटामिन ए, बी, बी के अंदर तो बी 12 तक है, ठीक है, सी, डी, ई, के, ठीक है, इतने तक है अपना, तो ये सारा है। तो अभी इनका अपन देख लेते हैं कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल टू द बॉडी, दे यूजली एक्ट एज को एंजाइम्स और को फैक्टर्स फॉर वेरियस प्रोटीन्स इन द बॉडी, ओके, ये हो गया। तो ये प्रोटीन्स के लिए हमें चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अच्छा, उनका काम तो क्या, प्रोटीन वाला तो चलो ग्रोथ देगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये क्या देगा, एनर्जी देगा। अच्छा, विटामिन क्या करता है, विटामिन हमें बीमारियों से बचाता है। आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी के लिए वो आपको टैबलेट, सॉरी वो एक, हाँ, टैबलेट चूसवाया था ना, या दो, तो जो चूसने के लिए होता है उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो विटामिन सी का था, है ना। तो वो चीज़ें कि विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, इनका काम क्या है, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है, याद रहेगा आपको। विटामिन्स आल्सो हेल्प सम हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, हमारी आंखों के लिए भी अच्छा है। विटामिन ए की कमी हो गई तो वो पता है ना कि रात को रतौंधी जिसको कहते हैं, तो वो चीज हो जाती है, तो रात को दिखना बंद हो जाता है, दिन दिखता है बस। तो इसीलिए ये कीपिंग आवर आईज, बोन्स, हड्डियों को भी मजबूत रखता है, दांतों को, गम्स मतलब मसूड़े, इनको भी जो है हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, लाइक विटामिन ए, सी, डी, ई, के एंड बी का तो एक पूरा ग्रुप है, पूरा खानदान चलता है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको कहते हैं। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, हमें सारे विटामिन्स चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, ये नहीं कि आप बहुत सारा एक्सेसिव ले रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, मेकअप करने की जरूरत नहीं है, आप जो है विटामिन ए लो, आराम से आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, अच्छी दिखेगी, ग्लो करेगी, एंड आईज को भी अच्छा रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए वो जो हमें टैबलेट दिए थे चूसने के लिए फीवर वगैरह में या कोविड के टाइम पे लिया होगा, वो यही थी, ठीक है। तो सी बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज कौन है, विटामिन सी। विटामिन ए का काम क्या था, स्किन एंड आईज को हेल्दी रखता है, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम, इसका क्या मतलब है,
कि विटामिन डी मेनली कहाँ से आता है पता है, सूरज से आता है। लेकिन आजकल क्या है कि गर्मी बहुत पड़ती है, बच्चे या कोई भी बड़े बूढ़े जो है धूप में निकलते नहीं है, तो विटामिन डी की कमी होती है। अगर आप लोग टेस्ट करोगे ना, आपका जनरली लोगों का कम ही निकलता है, तो फिर ऐसा बोलते हैं कि आपको जो है टैबलेट लेनी चाहिए, लेकिन एक महीने ही लेनी होती है करीब। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना, डायरेक्ट नहीं लेना है, ठीक है। तो उसमें हफ्ते में एक वो कैप्सूल लेना होता है जनरली, और चार हफ्तों तक ले लो तो ठीक है, आपका एक लेवल ठीक हो जाता है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में नहीं है तो उससे आपको काफ़ी दिक्कतें होती है, ठीक है। दूसरा, अपना विटामिन डी का काम पता है क्या होता है, आप मान लो कि कैल्शियम कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, कैल्शियम की टैबलेट लो या दूध के थ्रू कैसे भी लो, वो आपके हड्डियों तक डायरेक्ट नहीं जाता है, वो कैल्शियम तो पेट में चला गया, अब वो आपको बोन तक कैसे पहुंचेगा। तो पेट से बोन तक पहुंचाने का काम किसका है, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम को ऐसे उठाता है और लेके चलता है, हड्डियों तक लेके जाता है और वहां पे पटक देता है, समझ आ गया। तो विटामिन डी का है वो काम, इसलिए दांत भी तो कैल्शियम से बने, तो इसलिए दांतों तक भी जो है उनको मजबूत बनाने का काम किसका है, विटामिन डी। तो इसलिए विटामिन डी लिया करो, धूप से ले सकते हो, ठीक है। धूप में अगर चक्कर आ रहे हैं, गर्मी ज्यादा लग रही है, दोपहर में जब धूप थोड़ी तेज होती है उस वक्त लेनी होती है, लेकिन अपन ले नहीं सकते ना, फिर काफ़ी लोगों को इश्यू हो जाता है। कोई बात नहीं, आप अगर कैप्सूल के थ्रू ले सकते हो तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके फिर ही लेना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हमारा ये हिंदी में हो गया, ठीक है। अब सोर्स ऑफ विटामिन, अब सोर्सेज देख लेते हैं इन विटामिन के। विटामिन ए का ब्रोकोली हो गया, ठीक है, मैं एक बार मेंशन कर दूं, ब्रोकोली देख ले, फिश हो गया, ठीक है बच्चों, फिर मीट हो गया, फिर एग एंड चीज़ हो गया, जो नॉनवेज खाते हो वो तो एग्स वगैरह खा सकते हैं, चीज़ हो गया, आम हो गया, ठीक है, पपाया पपीता हो गया, कैरेट यानी गाजर हो गया, ये पेपर्स होगी, कौन सी, शिमला मिर्च, हरी लाल और पीली, ठीक है, फिर स्वीट पोटैटो हो गया, फिर अपना एप्रिकोट हो गया, मेलन हो गया, खरबूजा जिसको हिंदी में कहते हैं, स्क्वाश हो गया और पीच हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई विटामिन ए। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कौन कौन है, अपना एक तो फिश हो गया, ठीक है, ये अपना फोर्टिफाइड सोया मिल्क, सोयाबीन का मिल्क होता है, ठीक है, फिर बीफ हो गया, ठीक है, तो बीफ का लीवर वैसे यानी कि ये तो आप इंडिया में ना ही खाओ वरना कंट्रोवर्सी हो जाएगी, सच बताऊं तो, ठीक है। बीफ जो है जनरली गाय या जो बैल होते हैं उनके मांस से बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे इंडिया में जो लॉज है उनके द्वारा ये बोला गया है कि बीफ खाना प्रतिबंधित है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि इसको अवॉइड करना, कि मतलब कभी भी ये ट्राई मत करना अपने कंट्री में, ठीक है, क्योंकि ये जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है, ओके, ठीक है। अब अगला देखते हैं बीन्स, ठीक है, तो बीन्स जो है आपने जितने भी ये आपने सुना होगा ग्वार फली वगैरह, ये सारे जो बीन्स होते हैं, उसके अलावा जो राजमा वगैरह होता है वो भी बीन्स होते हैं, तो ये सारा अपना बीन्स के अंदर आ गया। फिर पालक हो गया, ठीक है, फिर अपना चिकन हो गया जो मुर्गे वगैरह से मिलता है, ठीक है, ओट्स हो गया, बनाना हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए, फिर एग एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गया, अंडे और जो डेयरी प्रोडक्ट है दूध वगैरह वो सारा, फिर उसके अलावा क्या है, नट्स एंड सीड्स वगैरह हो गया, मूंगफली वगैरह वो सारा, ठीक है, काजू बादाम, ये हो गया हमारा विटामिन बी का। फिर विटामिन सी में जो है जनरली सिट्रस फ्रूट आते हैं, तो अपना ऑरेंज हो गया, ठीक है, मेनली आप देखो एक तो ये हमने ऑरेंज याद रख लिया, फिर हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया, पपीता हो गया, फिर ग्वावा हो गया, ठीक है, फिर अपना जो है ये स्वीट पेपर मतलब शिमला मिर्च वगैरह हो गया, फिर अपना स्प्राउट्स वगैरह हो गया, कीवी हो गया, और कौन सा है इधर, बाकी इतने जो फेमस नहीं है तो इनको रहने दो। फिर विटामिन डी, तो सनलाइट मेन जो सोर्स है वो है सनलाइट। सनलाइट के अलावा आप क्या देखोगे, अंडा हो गया, ठीक है, कच्चा दूध रॉ मिल्क बोल रहे हैं, फिर मशरूम हो गया, ये फिश हो गया, ये भी एक सार्डिन्स टूना वगैरह सैलमन, तो मेनली तो जो है फिश से मिलता है, तो जनरली जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए जो है आपकी धूप से ले सकते हो, अंडे से, अगर आप अंडे भी नहीं खाते हो तो आप दूध से ले सकते हो और मशरूम से ले सकते हो, दूध और मशरूम ये मेन हमारे सोर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ विटामिन B9। B9 का क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है, तो ये तो अपना जो है मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, कौन से मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स मान लो, तो इसको अपन लिख देते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, और अपना जो है डेट ये अपना लीवर हो गया, मतलब कि जो नॉनवेज होता है तो ये तो अवॉइड करो, और ये जो है अंडा हो गया, तो ये चीज़ हो गई किसका, विटामिन B9 के लिए। तो ये तो अपना एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया। प्लांट प्रोडक्ट्स में कौन सा है, ये संतरा, संतरा मतलब ऑरेंजेज हो गया हमारा, ठीक है। फिर जो है लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल में कौन कौन सा हो गया, लाइक सरसों का साग, ठीक है, या फिर अपना पालक हो गया, मेथी हो गया, हरे प्याज हो गया, तो ये अपना जो है लीफी वेजिटेबल्स, कौन सा है, लीफी वेजिटेबल्स, जो कि मतलब पत्तियों से जनरली बना होता है, तो ये लीफी वेजिटेबल्स हो गया। फिर उसके अलावा ये पीनट्स वगैरह मतलब मूंगफली एंड बीन्स, बीन्स मतलब कि राजमा वगैरह वो सब हो गया, तो आप लिख लो भले कि राजमा पीनट्स मूंगफली वगैरह ये सारा हो गया, ठीक है। तो B9 के सोर्सेज हो गए बच्चों।
अगला क्या है, अब आयरन की सोर्स, हमें आयरन भी चाहिए होता है, लोहा चाहिए होता है, लोहा वो नहीं क्यों रो काट के खाओ वरना दांत टूट जाएंगे बच्चों। तो ये जो है आयरन, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, लीवर से हो गया जो कि आप खाओगे नहीं, पालक हो गया ठीक है, ब्रोकोली हो गई ठीक है, ऑक्टोपस वो जनरली यानी कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो ये रहने दो, डार्क चॉकलेट हो गया, काफ़ी बच्चों की फेवरेट होती है डार्क चॉकलेट ठीक है, फिर अपना नट्स हो गए ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा फिश वगैरह पम्पकिन की सीड्स हो गए, ऑरेंजेज हो गया, तो ये जनरली जो है हम खा सकते हैं आराम से। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम देखो डायरेक्टली बीमार तक नहीं पहुंचेगा हड्डियों तक, विटामिन डी भी साथ में लेना पड़ेगा, तो कैल्शियम अपना किस में होता है, गोड शीप काउज और ये जो दूध होता है किसका, बकरी का दूध ठीक है, भेड़ का दूध हो गया, गाय का दूध हो गया या सोयाबीन का दूध ठीक है, काफ़ी बच्चे जो है बकरी का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन देखो बकरी का दूध भी टेस्ट में वैसा ही होता है जैसे गाय और भैंस का होता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है, मैं बहुत बार पीता हूँ ठीक है, और दूसरा उसमें प्लेटलेट्स बहुत बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, एक जनरली जो बच्चा पैदा होता है अगर उसको माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो ऐसा बोलते हैं कि उसको बकरी का दूध पिलाओ, क्योंकि वो इतना हैवी नहीं होता है और माँ के दूध की तरह काफ़ी अच्छा और सही पौष्टिक होता है, तो वो दूध दिया जा सकता है, तो बकरी का दूध बहुत अच्छा होता है, जब डेंगू होता है उस केस में प्लेटलेट के लिए बकरी का ही तो दूध पिलाते हैं, तो आप ये भी वैसे शहरों में थोड़ा कम मुश्किल से मिलता है ठीक है, मुश्किल से मिलता है, लेकिन मतलब अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो तो बकरी का दूध पी सकते हो, टोफू हो गया, चिया सीड्स हो गया, ब्रोकोली ठीक है, ब्रोकोली यहाँ भी था आयरन और इसमें भी, ब्रोकोली काफ़ी चीज़ों में होता है, फिर जो है ये चीज़ वगैरह हो गया अपना, पालक हो गया ठीक है, तो पालक तो इसमें भी था ना अपना, नहीं इसमें नहीं था, वो पिछले वाले में था ठीक है, तो छोट नहीं हाँ हाँ यहाँ था ना, ये रहा स्पिनच है ना, तभी मैंने देखा ये था तो सही यहाँ पे, ये हो गया यहाँ भी हो गया, फिर अपना ओट्स हो गया, आलमंड्स बादाम हो गया ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम, ये हो गया। अब और देखते हैं क्या कह रहे हैं, मिनरल्स आर नीडेड बाई अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ और बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब जो मिनरल्स होते हैं जितने भी, वो अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे अभी सारे जितने भी थे, जिंक वगैरह वो सारे ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फोरस वगैरह, नीडेड फॉर अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी अमाउंट में चाहिए, यूँ नहीं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा ले रहे हो लाइक प्रोटीन इनकी तरह ठीक है, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हर एक उनमें से चाहिए, ये नहीं कि आपको विटामिन डी की कमी होगी तो दिक्कत हो जाएगी, बी ट्वेल्व की होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए आपको सब चाहिए लेकिन एक बैलेंस्ड में ठीक है, यही यहाँ पे कह रहा है। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स अवर बॉडी नीड डाइट्री फाइबर, अगर आप डाइट्री फाइबर नहीं ले रहे हो तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ठीक है, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है। एंड वाटर, डाइट्री फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर फूड्स, जो जो प्लांट के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं अपने सब्जियां और फल उनमें मिलता है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, होल ग्रेन मतलब कि राइस व्हीट ठीक है, ज्वार वगैरह बार्ले एंड पल्सेस ठीक है, दाल हो गई, पोटेटोज आलू फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज या डाइट्री फाइबर, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप लोग जो है सैलेड खाओ, मतलब कच्ची सब्जी खाओ क्योंकि उससे आपको फाइबर मिलेगा, लाइक खीरा खा लिया कि गाजर खा लिया, मूली खा लिया, बीट रूट खा लिया, वो इसीलिए बोला जाता है ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं पर वो सिर्फ फाइबर देते हैं और फाइबर जो है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि फूड में जाते हैं और उसको बल्क मतलब कि जो आपका अंदर पेट में फूड गया है उसको एक वेट देते हैं, नहीं तो आप एकदम हल्का ही है ना तो वो फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन बना देता है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड नहीं रहा उसको ये फाइबर जो है अपना निकाल के ले जाता है, वरना अनडाइजेस्टेड फूड पेट में रह गया तो फिर वही है दिक्कत हो जाएगी हमें ठीक है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, अब पानी का क्या काम है, जो आपने खाना खाया है ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, तो जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट है लाइक मैग्नीशियम हो, जिंक हो, जितना भी जो कुछ भी विटामिन हो, तो उन सबको बॉडी को कौन देगा, अब आप डायरेक्ट ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जो खाया पेट में से अपने आप निकल के चला गया, तो उनको ले जाने का काम जो है पानी का है, तो इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट, दूसरा आपके बॉडी में जितने भी ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं ठीक है, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कौन निकालता, आप यूरिन के थ्रू निकालते हो तो वो यूरिन के साथ वो निकल जाते हैं, तो वो यूरिन क्या है, पानी ही एक तरह का, तो इसलिए पानी जरूरी है ठीक है। दूसरा आपके पसीने के थ्रू भी जो पानी निकलता है तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी के वो उस पानी के साथ निकल जाते हैं, यही कहना चाह रहा है यहाँ पे। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज अवर डाइट ऑब्वियसली ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, जो भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमारे डाइट में या खाने में एक प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए
ठीक है, नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटल, मतलब कि ये भी नहीं कि कम हो, मतलब कि विटामिन उसमें ही नहीं, उस फूड में प्रोटीन नहीं है, ये नहीं हो, और ये भी नहीं कि बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारा फैट है, तो बहुत सारा फैट ले लोगे ना तो ऐसे हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉट टू मच, आप ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर खाओगे, ज़्यादा फैट ले लिया तो ऐसे हो जाओगे, ये यहाँ कहना चाह रहा है, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज, मतलब फाइबर भी होना चाहिए ताकि फूड निकल सके इजीली, और पानी भी होना चाहिए, ठीक है। एंड सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होगा, एक सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें जो है फाइबर भी होगा और पानी भी हो, बस यही यहाँ पे मेंशन है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर द कटिंग और पीलिंग देम, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपने अगर सब्जी और फ्रूट को धो लिया तो काफ़ी सारे विटामिन छील चले जाते हैं, या फिर उसको छील दिया क्योंकि उसके छिलके में होते हैं, तभी तो कई बार बोला जाता है कि इनको छीलो मत, लेकिन हम छीले ना तो क्या करें, आजकल जो है इतनी मतलब वो आ गया, जैसे अपने सेब होता है, एप्पल होता है, उसके चारों तरफ वैक्स लगा होता है उसकी शेल्फ लाइफ लंबी करने के लिए, तो अब क्या करें, हम क्या वैक्स खा लें, तो इसलिए हमें छीलना पड़ता है अब, और हम क्या करें उस चीज़ का, तो अब मजबूरी हो गया, अब हम ठीक है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम फेंक रहे हैं जो उसके छिलके में होते हैं, लेकिन अब हम वैक्स भी तो नहीं खा सकते। फिर उसके अलावा जो फूड होते हैं उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, अब खेतों में क्या होता है ना, इंसेक्ट्स पेस्ट वगैरह खूब घूमते हैं, तो अपनी फसल को बचाने के लिए उन इंसेक्ट और पेस्ट से किसान क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इंडिया में तो क्या है कि थोड़ा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए जब हमारे ये प्रोडक्ट्स फॉरेन में जाते हैं तो वहाँ पहले टेस्टिंग होती है, वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो इम्पोर्ट ही नहीं करते, जैसे जो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ है वो मना कर देती कि नहीं आपके फूड प्रोडक्ट के, तो इतने सारे जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लगे हैं, हम हमारे लोगों को नहीं खिलाएंगे। इंडिया में तो सब चल रहा है अभी, ठीक है, वो चीज़ एक दिक्कत है, तो वो चीज़ को धीरे धीरे ठीक होगा ये टाइम आने पर, इसीलिए ऑर्गेनिक जो फूड है उनकी डिमांड बढ़ रही है। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिंस, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, वो जो स्किन होती है उसके ऊपर होता है, क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अब राइस और जो दाल है, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है ना कि राइस एंड पल्सेस, तो चावल और दाल के ऊपर भी जो है, अब कोई छिलका तो होता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उनके ऊपर भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है, अपन अच्छे से नहीं धोएंगे तो हमारे पेट में जाएंगे। अब धोते हैं और धो लिया तो ये कह रहा है कि आपका जो कुछ विटामिन और मिनरल उसमें थे वो पानी के साथ चले गए, तो अब करें तो क्या करें, है ना, ये चीज़ होगी। वी ऑल नो दैट कुकिंग इंप्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। आप खाना पकाते हो, कुछ जो है न्यूट्रिएंट उसमें खत्म हो गए, स्वाहा हो गए, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग, अगर हम पानी कुक करते टाइम ज़्यादा पानी उसमें डाल रहे हैं तो वो जो है भाप बन के उड़ गए काफ़ी, तो या निकल गए ऐसे ही, ठीक है, यही यहाँ कहना है। यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग, अगर आप यानी कि गर्मी दे रहे हो कुक करते टाइम, तो विटामिन सी तो वैसे ही लॉस्ट हो जाता है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन डज नॉट ईट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। मैंने यही बोला था, ये क्या करता है, बॉडी को बिल्ड करता है, मतलब बॉडी बनाता है, लेकिन अगर आप यानी कि प्रोटीन एनफ क्वांटिटी में नहीं ले रहे हो तो आपका क्या होगा, हाइट एक तो कम रह जाएगी, तो हाइट बढ़ानी है तो प्रोटीन लिया करो, उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे वो बोल रहा है ना कि चेहरे पर सूजन आ जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर जो है ग्रे कलर के होने लग जाते हैं, ब्लैक नहीं रहते। स्किन डिजीज, स्किन जैसे यानी कि वाइट पड़ गई, पीली पड़ गई, ठीक है, त्वचा रोग। फिर डायरिया, डायरिया क्या होता है, एक लूज मोशन होता है, अगर ऐसा होगी सिर्फ पानी ही निकल रहा है स्टूल में, मतलब लूज मोशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में लूज मोशन हो रहा है या पानी निकल रहा है, उसको डायरिया कहते हैं। तो प्रोटीन कम होने से हमारी डाइट में क्या होता है, डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपका एनर्जी देता है, वो भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, तो फिर क्या कह रहा है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगी आपकी, उसमें क्या होगा, सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड दिन, बहुत ही पतला हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। आप एक बैलेंस डाइट लोगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, और जो एक्स्ट्रा इतने मिनरल्स बताए थे वो सारे, और फाइबर भी है, तो फिर आपकी बैलेंस डाइट होगी और फिर आपकी प्रॉपर ग्रोथ होगी,
आपको डिजीज वगैरह बीमारियां भी नहीं होगी। तो इसीलिए डाइट से ही हमारा हेल्थ पूरा डिसाइड होता है, सब कुछ हमारा जो है कंसंट्रेशन हो गया, आप पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन, विटामिन B12 वो सब खाने से आता है, ठीक है। तो एक अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपको बीमारियाँ ना हो, विटामिन सी है बीमारी नहीं, इम्यूनिटी आ गई। तो ये सारा कौन डिसाइड करता है? खाना हमारा। तो एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ जो है ये हमारे विटामिन या मिनरल्स डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है और उनके क्या सिम्टम होते हैं वो भी हम देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, मतलब कि दिखाई कम देता है, इसलिए तो कहते हैं गाजर खाते रहो नजर तेज होगी, तो इसलिए लॉस ऑफ विजन, और रतौंधी भी हो जाता है। पूर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में और कम, वैसे तो यानी कि एकदम अंधेरा हो जाएगा तो किसी को ही नहीं दिखेगा, पर यह है कि हल्का फुल्का भी होना तब भी उनको नहीं दिखेगा जिनके विटामिन ए की कमी है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, इसलिए बच्चों विटामिन ए खाया करो, गाजर खाया करो, मैंने दिखाया थे कौन कौन से सोर्सेज है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। अच्छा, बेरी बेरी क्या होता है? आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती है, जो भी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, एकदम यूं थका हुआ फील करोगे। मैं देखो कितना एनर्जेटिक फील करता हूं बच्चों, क्योंकि मेरे अंदर विटामिन B12 मैं खूब खाता हूं, तो आप लोग भी खाया करो। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है। आपको ये भी दे सकते हैं एग्जाम में सवाल, क्या दे सकते हैं बच्चों कि स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? आप बोलोगे विटामिन सी, या फिर आपको बोल देंगे कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ऐसे ऑप्शंस दे देंगे, तो आप कौन से भी टिक करोगे? स्कर्वी पे। तो वाइस वर्सा कुछ भी आ सकता है, आप इधर वाला भी याद करो और इधर वाला भी याद करना पड़ेगा। ये सवाल आते हैं, ये इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो, ठीक है। मैं सारे जो जितने भी विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से होने वाले हैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर इसमें स्कर्वी में होता है कि ब्लीडिंग गम्स, जो आपके मसूड़े हैं उनमें से खून आने लग जाता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपके मान लो घाव हो गया, तो वो जो है अगर आपके पास विटामिन सी एनफ क्वांटिटी में है तो आपका घाव जल्दी हील हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो वुंड को हील होने में बहुत टाइम लगता है। ओके, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब ये होता है जैसे ये आपके नॉर्मल पांव है, लेकिन अगर आपको रिकेट्स हो रखा है तो आपके पांव इस तरह से मुड़े होंगे, ये इस तरह से आपके पांव होंगे कि यहाँ नी जो होता है घुटना उसके पास ऐसे थोड़े से बाहर की तरफ होंगे, उसको कहते हैं रिकेट्स। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, अब बोन जो है ये पांव की अब सॉफ्ट हो गई है तो ये मुड़ जाएगी, तो ये बोला है बिकम सॉफ्ट एंड बेंड और मुड़ जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ ना अच्छे से बच्चों, तो आप प्लीज ये याद रखना, बस कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है ये याद रखना, उनके सिम्टम्स आपसे नहीं पूछेंगे, वो तो आपको क्या है कि पता होना चाहिए कि अच्छा स्कर्वी क्या होता है, रिकेट्स क्या होता है, उसके लिए, ठीक है। मेनली आपको ये और ये दो टेबल याद रखनी है, ठीक है, इधर वाली की मिनरल और डिसऑर्डर। कैल्शियम देखो, कैल्शियम कहाँ होता है? हड्डियों और दांतों में, तो अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन एंड टूथ दिखे, आपकी जो है बोन जो है ये टूटने का मतलब ये कि क्यों हल्की होने लग जाती है, कि मजबूत हड्डियां नहीं होगी, और आपके जो दांत है दांत भी टूट के गिरने लग जाते हैं, वीक बोन टूथ डिके, ठीक है। फिर अगला है आयोडीन जो है, हम आपने देखा होगा नमक में, क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो वो चीज, तो ये आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर क्या होता है? यहाँ ग्लैंड होती है नेक में, ठीक है, वो सूज जाती है, तो आपका गला अगर इतना सूज जाता है तो मतलब आपको आयोडीन की कमी है। एपियर सोलन, ये यहाँ पे सूज जाता है, कहाँ पे? ग्लैंड जो होती है नेक में। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, दिमाग से भी पागल हो जाते हैं कई बच्चे, तो इसीलिए आयोडीन जो है आपके नमक में या खाने में होना चाहिए। आयरन की कमी से क्या होता है? जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, वो कम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, इसीलिए आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया का होता क्या है? फिर वीकनेस आती है, ये चीज हो गई। इसीलिए भारत सरकार ने भी कई प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं एनीमिया मुक्त भारत के लिए। जनरली जब औरत एक माँ बनती है तो ब्लड फ्लो देखो बच्चे के पास भी होता है, तो उसको जो ज़्यादा आयरन खाने की जरूरत होती है, जिसको फॉलिक एसिड ये कैप्सूल वगैरह टैबलेट कहते हैं, उनकी खानी होती है। स्कूल्स में भी जो है बच्चियों को वितरित किया जाता है ये आयरन के टैबलेट्स वगैरह, वो क्यों खाते हैं? क्योंकि जनरली जो है महिलाओं में होता है, क्योंकि उनके अंदर खून की कमी रहती है, जनरली ऐसा देखा जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो इसी वजह से आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये लो सारे के सारे बता दिए। देखो विटामिन ए हमने देख लिया, जिसको विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं, लॉस ऑफ विजन ब्लाइंडनेस। फिर विटामिन B1 जिसको थियामिन कहते हैं, उसकी कमी से क्या होता है? वीक मसल, सर अपना सेवियर वेट लॉस, और क्या हो गया? बेरी बेरी, वो तो ब्लाइंडनेस हो गया, और ये अपना हो गया
बेरी बेरी, ठीक है ये हो गया। अगला B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, इसकी वजह से क्या होता है, कमी से पुअर डाइट एंड माउथ स्वर, मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, एरिबोफ्लेविनोसिस ये होता है। फिर विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं, वैसे इनके ये जो नाम है ना बच्चों की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इनको इतना वैसे नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, जनरली ये नाम है इतने नहीं पूछते, अपने को सवाल क्या आएगा कि इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है या फिर ये बीमारी किसकी कमी से होता है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है, ब्रैकेट में जो नाम है अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, याद करने का तरीका बच्चों क्या है, इस फोटो को एक पेपर पे लिखना और अपने जो है टॉयलेट में भी सामने चिपका देना, जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ भी सामने चिपका देना, कई दिन तक चिपका के रखना, दिन में जब भी टाइम मिले उसकी तरफ देखे उसको रटना, फिर आंखें बंद करके स्टार्टिंग के 3 रटे, फिर आंखें बंद करके रटा, फिर उसके बाद और 3 रटे, फिर आंखें बंद करके रटा, फिर 3 ऐसे करके आंखें बंद कर करके पूरा रट लो और फिर पूरा एक साथ रट लो, ठीक है, फिर यूँ खुद ही बोल लो विटामिन ए ये हो गया, विटामिन बी ये हो गया, विटामिन सी ये हो गया, डी ये वो सारा एकदम ऐसे पूरा याद करना है, ठीक है, तो इसका और कोई तरीका नहीं है, वैसे ही सामने चिपकाओ और रटो, ऐसे ही याद होगा, ठीक है, ये चीज़ है। B3 पहला ग्रह हो गया, B5 की वजह से पेरेस्थेसिया हो गया, B6 की वजह से एनीमिया, तो B7 की वजह से क्या हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, फिर B9 की वजह से क्या हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, ठीक है, फिर B12 की वजह से क्या हो गया, परनीशियस एनीमिया हो गया, फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डायथेसिस हो गया, विटामिन ए की कमी से हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डायथेसिस हो गया, फिर अभी जो अपने एसेंशियल मिनरल्स हैं कुछ इनकी कमी से भी देख लेते हैं, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस मतलब कि बोन एंड टूथ डिके, ये हमने अभी देख लिया था, मैग्नीशियम की कमी से प्रोलॉन्ग्ड डायरिया, डायरिया अभी मैंने बताया था कि कंटिन्यूस लूज मोशन जिसमें पानी निकलता है, सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रेमिया एंड डिहाइड्रेशन, पोटेशियम की कमी से एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड डिहाइड्रेशन हो गया, फॉस्फोरस की कमी से लॉस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल फ्रॉम दी स्केलेटन, ठीक है, ये चीज हो गई सारा। अगला क्या आप देख लेते हैं, इसी को जो है हिंदी में बताया गया सारा, बच्चों जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ कवर हो गया, ठीक है, और ये रहा फिर और कैल्शियम फॉस्फोरस लोहा आयोडीन तांबा, ठीक है, तांबा क्या होता है कॉपर, ठीक है, ये अपना पीछे इंग्लिश मीडियम में मेंशन था, नहीं था कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो कॉपर तांबा की कमी से वजह से क्या होता है, भूख कम लगती है, ठीक है, मंद विकास, आपका विकास में जो है आपके ग्रोथ में कमी आती है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख लेता हूँ, तांबा जो है कॉपर होता है, इंग्लिश में इसको कॉपर कहते हैं, ठीक है, इसकी कमी की वजह से कम भूख का क्या होता है, मतलब कि लो एपेटाइट, ठीक है, लो एपेटाइट हो गया, और मंद विकास का मतलब कि स्लो ग्रोथ, ठीक है, सो स्लो ग्रोथ, तो ये चीज होगी। तो इसी तरह हमने आज जो है अपना फूड क्या होता है, ठीक है, कार्बिवर्स हर्बिवर्स, ठीक है, ओमनिवर्स, वो सारा कर लिया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स सब कुछ हमने आज कर लिया, ठीक है, तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स आज हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और नए सब्जेक्ट के साथ ट्राई करेंगे, ओके ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।